नमस्कार, मैं शशि मिश्रा, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेजवान मैगी, तो चलिए बनाते हैं। सेजवान मैगी बनाने के लिए पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसको करेंगे गरम और डालेंगे बटर। आप बटर डाल दें या तेल डालें, कुछ भी डालें। इसको मेल्ट होने देना है। अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट होने तक इसे हमें पकाना है। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे हरी शिमला मिर्च, आप चाहे तो लाल और पीली भी डाल सकते हैं, और शिमला मिर्च को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब ये टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब डालेंगे नमक, नमक डालने से ये और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसे हमें एक मिनट के लिए और ढक कर पका लेना है। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अब डालेंगे इसमें हम सेजवान चटनी। सोया सॉस, यह है गार्लिक चटनी, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे टेस्ट मेकर, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेना है। अभी अच्छे से हमें 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अब डालेंगे पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे पानी में, और इसे हमें एक उबाल आना है, आने देना है। एक उबाल आने के बाद डालेंगे इसमें हम मैगी। अब उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे मैगी। और इसे हमें ढककर 2 मिनट और पका लेना है। चेक कर लेते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे, सेजवान मैगी रेडी है। ये सेजवान मैगी रेडी है, अभी अपने घर में ज़रूर बनाइए, और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।